लगता है पिज्जा आ गया है। आज मैं फर्स्ट टाइम पिज्जा ऑर्डर करूंगी। और पहले और इंस्टॉल करने के बाद अभी बर्गर है, फिर बिरयानी है, बोन्स लेके नूडल्स, बहुत सारे ऑप्शन, आइसक्रीम भी है, पराठा एंड फ्राइज, पेस्ट्रीज भी है। वाओ, अभी ओपन होगा हमारा पिज्जा। डन डन, यम्मी 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 यम्मी। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं आज के ब्लॉग में आपको बताने वाली हूँ कि आज मैं फर्स्ट टाइम पिज़्ज़ा ऑर्डर करूँगी। वैसे तो पिज़्ज़ा मैंने बहुत बार खाया है, लेकिन कभी ऑर्डर नहीं किया, क्योंकि जब ऑर्डर करना रहता है तब बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं मुझे। पापा, फादर इन लॉ, हस्बैंड, देवर, बहुत सारे लोग, ठीक है, तो कभी मेरा चांस नहीं आता। लेकिन आज फाइनली ये हुआ कि ऑर्डर मुझे करना है, और मेरी बैंड बज गई है, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पता है कि ज़ोमैटो या फिर पता नहीं पिज़्ज़ा हट शायद इसमें ऑर्डर कैसे करते हैं। तो मैंने थोड़ा बहुत देखा वीडियोस में कैसे करना चाहिए ऑर्डर, तो पहले मुझे ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आइए चलिए पहले ऐप डाउनलोड करते हैं और फिर मैं ऑर्डर करूंगी। तो आ गई हूँ मेरे फ़ोन के अंदर और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ज़ोमैटो से करते हैं। ओके, ज़ोमैटो, स्पेलिंग मिस्टेक, ज़ोमैटो, ठीक है। और इसको कर लेते हैं इंस्टॉल पहले, और इंस्टॉल करने के बाद अब ये हो जाएगा फटाफट इंस्टॉल। यहाँ पे बहुत सारे हैं, देखिए डोमिनोज़ हैं, फिर मैक डिलीवरी है, मैक डिलीवरी, ओके, पिज़्ज़ा हट है, फिर बहुत सारा है, डीमार्ट भी है, फिर बहुत सारे ऑप्शन हैं। लेकिन ठीक है, अभी ये ज़ोमैटो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से मैं, इसको टाइम लग रहा है, ओके, इसको करते हैं ओपन। या फाइनली ये ओपन हो गया। ये परमिशन मांग रहा है, उसको अभी वन टाइम कर देते हैं अभी के लिए, ओके। और यहाँ से ये मांग रहा है नंबर वगैरह, तो उससे पहले मैं वो कर लेती हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन खुल के आया है, बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो इसमें से मैं चूज़ करने वाली हूँ आज। यहाँ पर पिज़्ज़ा है, बर्गर है, फिर बिरयानी है, बॉल्स लेके नूडल्स, बहुत सारे ऑप्शन, आइसक्रीम भी है, पराठा एंड फ्राइज, पेस्ट्रीज भी है, वाओ, समोसा और दाल, जूस वगैरह वो सब भी है। और इसके नीचे भी बहुत सारा कुछ है, वड़ा पाव है, खिचड़ी है, कचौरी, सूप, बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। मुझे लगा सिर्फ पिज़्ज़ा मिलता होगा। हाँ, कभी मैं ऑनलाइन जाती नहीं ना, मुझे ऑफलाइन शॉपिंग ही पसंद है। बहुत सारा घूम घाम के फिर के फिर मैं बहुत सारा बार्गेनिंग कर वार के फिर मैं कुछ शॉपिंग करती हूँ। तो यही चीज़ें होने के बाद ऐसे शॉपिंग करना, ऐसे कुछ खरीदना, मतलब पिज़्ज़ा हट, ओके, ये हम चलेंगे इसमें, ओके, पिज़्ज़ा में चलते हैं। और पापा, जेंगो पिज़्ज़ा, फिर मोजो पिज़्ज़ा, टॉपिंग्स एंड पिज़्ज़ा हट, ला पिज़्ज़ा, अरे बाप रे, बहुत सारा कुछ है, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा इसमें से। पिज़्ज़ा बस्ट, ओके, ये पता नहीं कहाँ पे है, कुछ क्या है, कैसे है, आई डोंट नो, मैं बिल्कुल नहीं जानती कैसे इसको करना है। लेकिन ठीक है, मैं फिर से एक बार वीडियोस देख लेती हूँ कैसे करना है, और फिर मैं आती हूँ रिटर्न। मेरे ख्याल से ऑनलाइन शॉपिंग करने से ज़्यादा बेटर ऑप्शन है ऑफलाइन शॉपिंग करना, क्योंकि जब आप ऑफलाइन शॉपिंग करते हो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, आप हर जगह पे घूम सकते हो, देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे देख तो बहुत मिल सकते हैं, लेकिन आना भी तो चाहिए। ठीक है, फाइनली मैंने कुछ जुगाड़ निकाला है और मैंने ऑर्डर करा है, तो अभी आएगा पिज़्ज़ा। अभी मतलब आप समझ लीजिए 15 मिनट्स या 20 मिनट्स में आएगा, क्योंकि नज़दीक है। मैं आपको दिखा नहीं पा रही कैसे करा मैंने, लेकिन मैंने फाइनली ऑर्डर कर दिया है, और देखते हैं कि आज पिज़्ज़ा आता है, कैसा आता है, कैसा टेस्ट है, और पूरा वीडियो देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। क्योंकि देखो, कोई मंगा के दे और हम खा ले,
उससे अच्छा हम जुगाड़ करें और कुछ ऐसा कुछ नया हो, ट्विस्ट हो और फिर हम कुछ खाएं या कुछ करें, तो वो बातें ना हमेशा याद रहती है। जैसे आज का पहला ऑर्डर जो मैंने किया है, फर्स्ट टाइम किया है, तो मुझे वो याद रहेगा कि मैंने कैसे किया है। यू नो, लगता है पिज्जा आ गया है। चलो फाइनली पिज्ज़ा आ गया है। और ये मैंने ये यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, ये है मार्गरिटा है और हर्ब्स ऑनियन मैंने डाला है उसमें और स्वीट कॉर्न डाला है, ठीक है। और इसके साथ ये पेप्सी का बॉटल और एक पिज्ज़ा, बस बहुत हो गया। अभी ओपन होगा हमारा पिज्ज़ा। डन डन, यम्मी 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 यम्मी। और इसके साथ जाएगा ये पेप्सी का बॉटल और हम पियेंगे स्ट्रॉसी। अभी यहाँ से इसको ये एक बाइट लिया मैंने और वेरी यम यम। इसमें तो इसने चिली फ्लेक्स और ओरेगानो दिया ही नहीं है। अरे बाप रे, अब इसको ऐसे ही खाना पड़ेगा आज तो। सो यम यम, बहुत बढ़िया। इसमें जो एक टॉपिंग्स डाले ना उसने, कॉर्न है, कैप्सिकम, चीज और ऑनियन, ये सारे टॉपिंग्स के साथ बहुत अच्छा लगता है। किसी ने खूब कहा है कि जिंदगी को खुश होकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। और कहा है कि ज़रूरत नहीं है कि मीठाई खिलाकर ही दूसरों का मुंह मीठा किया जाए, अगर आप चाहते हैं तो मीठा बोल कर भी लोगों को खुशियां दे सकते हैं। उदासियों की वजह तो बहुत है ज़िंदगी में लोगों के पास, पर बेवजह खुश रहने का मज़ा ही कुछ और होता है। जिस पल के लिए आप खुश हो जाते हो, वही पल आपका जीवन का सबसे असली मकसद बन जाता है, असली जिंदगी बन जाती है। खुशियों का असली मतलब तो रोज़मर्रा की जिंदगी को सही मायने में जीना है, और इसी का नाम सिर्फ खुशी है। और खुशियों को, सिर्फ छोटी छोटी खुशियों को अपनी छोटी छोटी चीज़ों में, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जीना सीखे, यही खुशी है, यही ज़िंदगी है। कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और भी मेरे बहुत सारे वीडियोज़ है उसको देखिएगा। बाय बाय।